ये तीन दिन जो है वो ऐसा लगा जैसे हम कहीं और दुनिया में आ गए। ऐसा एहसास होने लगा कि हम नेचर के साथ ऐसे घुल मिल गए और ज़िंदगी जीने का सही तरीका ही हमें अभी लग रहा कि ये सही मायने में ज़िंदगी ये है। जो नेचर के साथ रहो, योग करो, अपने आप को स्वस्थ रखो, बॉडी को स्वस्थ रखो, बॉडी माइंड और ब्रेन के साथ में ये जो समन्वय तीन दिनों का जो आप लोगों ने हमें सिखाया, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अभी लग रहा है कि ज़िंदगी हम जी रहे हैं। जो डेली ज़िंदगी जीते हो ऐसा लगता है एक मशीन की तरह ज़िंदगी हम जी रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जो लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हमें ज़िंदगी इस तरह से जीने चाहिए जो सही मायने में अच्छी रहे, दूसरों के साथ घुल मिल के। अभी ऐसा हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बचपन आज याद आ गया, जैसे हम मर्द के साथ खेल रहे थे पूरे कपड़े निकाल के। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था, कहीं कोई सहसंवरम संकोच ऐसा कहीं नहीं लग रहा था जैसे पहले पुराने दिन में। नहीं, हम खेलते हैं, सब सारे टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंजॉय रहा ये तीन दिन। और मैं आप सभी लोगों को भी एक, हम पूरे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पे, उसकी तो उसकी ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो तीन दिन का कैंप रखा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों की मेहनत है, सब आप परिवार की तरह सब एक मिलजुल के हम लोग को जो ये सिखाया इतना सारा अच्छा किया। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, हमारे पूरे पार्टिसिपेंट शुक्रगुजार है कि हमें जीने की जो एक रास्ता आप लोग जो दिखा रहे जो बहुत ही अच्छा है, और आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कैंप्स है वो क्वार्टरली या सिक्स मंथ में होने चाहिए, एक गेट टुगेदर होना चाहिए। बाकी तो ऑफिस वगैरह होता रहता है, बट जीने का सही तरीका ये है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।